गान देखिए बजरंगी खेल रहा है। तो देखिए दोस्तों रोटी बेला जा रहा है। देखिए दोस्तों ट्यूशन से आ गई है और आने के बाद तुरंत उसका कार्टून सीरियल देखना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों देखिए अभी समय हुआ है, रात का 10 बज रहा है और हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं। अभी भी हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी को एक नए ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। दोस्तों देखिए अभी दोपहर का टाइम है क्योंकि सुबह बहुत सारा काम था, बाहर का भी काम था, इसीलिए हम इतना जल्दी नहीं आ पाए आपके सामने। तो अभी वीडियो बना और अभी चंदना भी आ गए ड्यूटी से। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही आप सभी को अच्छा लगेगा। अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए किचन रूम चलते हैं, चंदना आज क्या हम लोग के लिए नया डिश बनाया है हम आपको दिखाते हैं। और देखिए दोस्तों बाहर का नज़ारा, बहुत ज़बरदस्त धूप दे रहा है, शायद मतलब 4 बजे शाम को बारिश हो सकता है। देखिए चंदना, हेलो हेलो फ्रेंड्स। और बुबू भी देखिए दोस्तों, बुबू भी स्कूल से आ गई है। ये देखिए दोस्तों बुबू भी स्कूल से आ गई है और वो आते साथ खाना शुरू कर दिया। हम लोग अभी खाएंगे, देखिए आज खाने में क्या हुआ है। ये देखिए भात और ये जो है नया चीज बना है, दही पकौड़ी। नहीं, दही पकौड़ी का करी। हाँ करी, इसको दही करी बोला जाता है लेकिन ज्यादातर आदमी दही पकौड़ी बोलते हैं। और दोस्तों बहुत ही टेस्ट लगता है। और आम, और ये देखिए आम। और यहाँ पर देखिए ये मेरा थाली है क्योंकि हम रोटी और भात मिला के खाते हैं। और चंदना यहाँ पर बैठते हैं, मिर्चा भी लिए हैं। चंदना बहुत गुस्से वाली है ना, मिर्चा खाते हैं। देखिए दोस्तों कबूतर भी सब आ रहे हैं। अभी हम लोग देखिए चावल यहाँ पर डाल दिए हैं, अभी धीरे धीरे करके बहुत सारा कबूतर भी आएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी खा लेते हैं, फिर बाद में आपसे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अभी हम लोग खाना खा चुके हैं, हम बुबू और चंदना तीनों खाना खा लिए हैं। और खाने में आज बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि जो दही पकौड़ी बना था बेसिकली आज चंदना हम लोग के लिए बनाए थे दही पकौड़ी, इसको दही कड़ी भी बोल सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा बना था। और खाना भी हम भी ज़्यादा खाए हैं और बहू भी कितना खाई तू? 3 प्लेट। झूठ बोल रही है। नहीं नहीं, एक प्लेट फूल खाई है। हाँ। एक प्लेट फूल भात खाई है, जबकि वो थोड़ा कम खाती है लेकिन बहुत ही मस्त बना था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बने रहिए। फिर देखिए दोस्तों अभी 4 बज रहा है, बजरंगी हम लोग का खेल रहा है अभी। देखिए तो दोस्तों देखिए अभी समय हो रहा है 7 और बुबू भी देखिए दोस्तों ट्यूशन से आ गई है और आने के बाद तुरंत उसका कार्टून सीरियल देखना शुरू कर दिया है। और देखिए इधर चंदना भी ड्यूटी से आ गए हैं। हाँ तो अभी देखिए चंदना भी ड्यूटी से अभी आए हैं और अभी दोस्तों हम लोग चाय पियेंगे। देखिए दोनों माँ बेटी अभी घर में हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग चाय पियेंगे, आप लोग को पता है शाम को हम लोग एक साथ बैठ के चाय पीते हैं क्योंकि हम भी वेट करते हैं चंदना का आने के बाद। दोनों एक साथ सुबह भी चाय पीते हैं और शाम को भी दोनों मिलके ही चाय पीते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। अभी दोस्तों देखिए चंदना ड्यूटी से आने के बाद हम लोग चाय पी लिए और अभी देखिए सब्जी बना रहे हैं। ये देखिए मसाला कसा जा रहा है और ये कौन सा सब्जी बन रहा है? पटल आलू सोयाबीन। ये देखिए ये दोस्तों कल के लिए बना रहे हैं क्योंकि ये तो सुबह ड्यूटी जाते हैं तो अभी से ही रेडी कर देते हैं सब ना। अभी से नहीं, आधा काम रात को कंप्लीट करते हैं, आधा सुबह। हाँ मतलब आधा काम अभी कर देते हैं फिर सुबह फिर बनाएंगे। और देखिए दोस्तों आपको दिखाएंगे, ये देखिए उस दिन जो आप मेरा अगला वीडियो में देखे थे ये हम लोग जामुन का बीजा सब चुन रहे थे, ये उसका देखिए पाउडर बना दिए हैं, इसको धूप में अच्छे से सुखा दिए और इसका पाउडर बना दिए। फिर इसको अभी मेथी के साथ मिक्स करके रोज़ सुबह शाम 2 चम्मच खाना है। ये देखिए वो पढ़ाई कर रही है होमवर्क, उसका स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला है। ये देखिए
200 पेज होगा। 200 पेज, वाह वाह। हाँ, हाँ आज पूरा नहीं है। 200 पेज नहीं है बेटा। तो देखिए दोस्तों, रोटी बेला जा रहा है। मेरे हस्बैंड मेरे लिए रोटी बेल दे रहे हैं, हम लोगों के लिए, रात को खाने के लिए। एक्चुअली में मेरे हाथ में थोड़ा दर्द है, तो मैं बोली आप थोड़ा वो रोटी बेल दीजिए, मैं सेक दूंगी। नहीं दोस्तों, पूरा झूठ बात है। अक्सर हम उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दोनों ही हम लोग मिलजुल के हर काम करते हैं। ये बात सही है ना? नहीं, हाँ हाँ सही है। रोटी देखिए दोस्तों, कितना गोल गोल, देखिए। और सब्जी वहाँ पर बना रहे, हम बोले चलिए हम थोड़ा आज रोटी बना देते हैं। हर दिन तो नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर हम उनको हेल्प कर देते हैं। इतना अच्छा नहीं लगता है, उनका मुँह से ही सुनने से थोड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों बने रहिए। तो दोस्तों देखिए, अभी समय हो रहा है, रात का 10 बज रहा है। अभी हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं, और अभी भी देखिए दोस्तों, मेरा रोटी है और इनका भात रोटी उल्टा हो गया। रात को ये भात रोटी खाते हैं, हम दिन में भात रोटी खाते हैं। और देखिए वही दही कढ़ी जो दही पकौड़ी बना था, क्योंकि दोस्तों देखिए दही कढ़ी इतना अच्छा लगा, तो हम इसलिए चंदना को बोले थे जो कि आप थोड़ा ज़्यादा करके बनाइए। और दोस्तों आपको और एक बात बता दें, ये जो दही पकौड़ी है, हम लोग आप बैंगन का कढ़ी भी बना सकते हैं, ज़्यादातर आदमी बैंगन कढ़ी बनाते हैं, लेकिन हम लोग के घर में पहली बार हुआ है दही पकौड़ी, जिसको दही कढ़ी बोलते हैं, दही पकौड़ी कढ़ी भी बोल सकते हैं। और ये है दोस्तों राजस्थान का सबसे फेवरेट डिश है, लोग ज़्यादातर दही कढ़ी खाते हैं। और चन्ना आज बनाए हैं, और दोस्तों चन्ना को ही पूछ लेते हैं थोड़ा शॉर्टकट में, क्योंकि वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगा। वो कैसे बनाए ये दही कढ़ी, कैसे बनाए थे आप बताइए तो। हाँ तो बताइए तो कैसे इसको बनाए। पहले इसमें मसाला डाल करके, बेसन में मसाला डाल करके इसका पकौड़ी बना लिए, फिर उसके बाद उसको मसाला को छोंक दिए, छोंक करके दही का पानी थोड़ा सा डाल दिया उसमें, फिर दही बेसन का भी पानी घोल घोल करके, घोल बना करके उसको डाल दिए। अच्छा। और फिर पकौड़ी छोड़ दिए बस। अच्छा, पकौड़ी मतलब इतना नरम लग रहा है, मगर छोंके हैं उसको, मतलब दही को छोंका गया है। मगर यही है कि बेसन को आप मसाला देकर के ही उसको छानिएगा, पकौड़ी बनाइएगा। अच्छा। और दोस्तों और कभी अगर बनाएंगे, और कभी तो बनाएंगे ना आप, हाँ। तो उस टाइम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, क्योंकि आज हम पूरा दिखा नहीं पाए, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को जरूर अच्छा लगा रहेगा, और ज़्यादा करके मेरे वाइफ के लिए, क्योंकि वो आज हम लोग को इतना अच्छा अच्छा डिश बना के हमको और मेरी बेटी को बना के दे रहे हैं, और पहली बार हम लोग का घर में बनाए राजस्थान का दही पकौड़ी। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए जगह में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।